अक्सर हम चकुंदर के पत्ते फेंक देते हैं, लेकिन वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आज हम उसकी लेके आए बहुत ही अच्छी रेसिपी। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। सब्जी बनाने के लिए हमने लिए है चकुंदर के पत्ते, जिन्हें हम धोकर कट कर लेंगे। पत्तों में प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सभी पत्तों की गड्डी बनाकर काट लेंगे ताकि आसानी से कट सके। अब लेंगे लोहे की कढ़ाई, जिसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 3 से 4 बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ ही डालेंगे लंबा कटा हुआ प्याज, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी चीजों को सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। 2 मिनट के लिए आलूओं को तल लेंगे। आलूओं को अपने आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े कट कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर सभी चीजों को भून लेंगे। ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भाप में पका लेंगे। अब इसमें जाएंगे कटे हुए चकुंदर के पत्ते। हमने यहाँ लोही कढ़ाई का यूज़ इसलिए किया क्योंकि लोही कढ़ाई में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि हरी सब्जियाँ लोही की कढ़ाई में बनाएं। साग डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि भाप से बैठ सके। अच्छे से मिला लेंगे। ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच में भाप में और पकने देंगे। पानी सूखने तक कढ़ा लेंगे, जिसे हम भूनना भी कहते हैं। इसी तरीके से कड़छी चलाते हुए पकाएंगे। चकुंदर के पत्तों की भाजी बनकर तैयार है। इसे हम साग भी कह सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिक्स रसोई रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको चकुंदर के पत्ते की सब्जी कैसी लगी। साथ ही लाइक करना ना भूलें। अगर रेसिपी पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।